राजगान राजगीत नहीं गाया गया। देखिए राजगान राजगीत जो है सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा ये कौमी तराना ही है, ये कौमी तराना ही है। हमने जब अपने तराने में ये कह दिया कि पूरी दुनिया में कोई मुल्क हिंदुस्तान से अच्छा नहीं है तो इससे बड़ा क्या तराना हो सकता है, इससे बड़ा करके दिखाइए। राज जो गीत है उस पे मैंने बहुत गौर किया, उसमें एक लफ्ज आया हुआ है, उसमें एक लफ्ज है कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा। अब आप लोग से मैं सवाल करता हूं कि ये सिंध है कहाँ, इंडिया में है कि पाकिस्तान में है, आप मुझे बताइए। हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो पाकिस्तान जो अपनी फौज के जरिए और अपने दहशतगर्दों के जरिए हमारे मुल्क के नौजवानों को और मिलिट्री के लोगों को शहीद करवा रहा है, आप उस पाकिस्तान के सिंध की तारीफ हमसे करवा रहे हैं कि आप इसकी तारीफ कीजिए। पहले इसको बदला जाए, मेरी अपील है, पार्लियामेंट में गुजारिश है कि पहले सिंध का लफ्ज हटा दिया जाए। और एक चीज और है, सुन लीजिए, एक चीज और है, वो ये है कि इस तराने के अंदर मुश्किल से 6 सूबों का नाम मिलता है, तो क्या आंध्रा कहाँ चला गया, हैदराबाद कहाँ चला गया, कश्मीर कहाँ चला गया? हमारा वतन नहीं है, हम छोड़ देंगे उसको? कश्मीर में कौन सी खूबी नहीं है? कश्मीर के लिए लोग आंखें दिखा रहे हैं, हम अपनी जानें दे देंगे मगर कश्मीर छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। आज उस कश्मीर का जिक्र नहीं आया है, उस तराने में कश्मीर का जिक्र नहीं है। हैदराबाद जैसी इतनी बड़ी और अजीम सोसाइटी, तारीखी जगह, तारीखी शहर, और उसका भी जिक्र नहीं आया। 4, 5, 6, 7 सूबों का आपने जिक्र कर दिया। मैं अपील करता हूं अपनी गवर्नमेंट से और पार्लियामेंट के जिम्मेदारों से कि इसमें जितने सूबे 29-30 सूबे हिंदुस्तान के अंदर हैं, सारे सूबों का जिक्र शामिल किया जाए और सिंध को हटा दिया जाए। एक बार नहीं, इस तराने को मैं रोजाना मदरसे में पढ़ूंगा। वंदे मातरम कयामत तक नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं कर सकते हैं। हमारा सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगा। आप देखिए हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फजू अर्दकुम फइन्नहा उम्मकुम, अपनी मिट्टी की हिफाजत करो इसलिए कि तुम्हारी माँ है। तो इस मिट्टी की हम हिफाजत करेंगे, इबादत नहीं कर सकते, इबादत सिर्फ हमें खुदा की करते हैं।